नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका पालमेश्वरी ज्ञान चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि कैसे बुद्ध की फिंगर आपको धन देती है। कहते ना, बोलने की कला को सिखाती है और बिजनेस करने की क्वालिटियां बताती है। कम्युनिकेशन कैसे है आपका, इन सारी बातों को बुद्ध रेखा कैसे बताती है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो, और यह विषय अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर ले। आइए अपने हाथ की तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहले हमारी ये जीवन रेखा है। जीवन रेखा हमारे जीवन के होने वाले एक एक घटनाक्रम के बारे में बताती है। इसी प्रकार से हमारी मस्तिष्क रेखा हमारे मन के विचारों में बताते हैं, और इसी प्रकार से हमारी हृदय रेखा हमारे दिल के बारे में बताती है, हमारे प्रेम प्रवाह के बारे में बताती है। आज हमने देखी है बुद्ध के पर्वत पर, जैसे कि हाथ की ये जो हमारे फिंगर है, अगर देखे ना तो आप सबसे छोटी फिंगर बुद्ध की होती है और ये सबसे चलाक फिंगर होती है। कहते हैं ना, छोटा है उतना खोटा है, इसके अंदर सारी क्वालिटियां भरपूर होती है। आदमी को कितनी चलाकी से, कितनी निपुणता से उसके बात को समझने की कला को ही बता देती है। आपका नेचर क्या है, आपका बिजनेस कैसे करने वाले हैं, ये हमारी बुद्ध की फिंगर बताती है। अब ये क्वालिटियां कैसे लेके आती है, अगर आपके हाथ में ये बुद्ध की फिंगर हमारे सन के पहले पोर से बड़ी होती है, आपके बोलने की कला, आपके समझने की कला, आपका नेचर कैसा है, आपकी क्वालिटी कैसे है उसके बारे में बताती है। आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल का होता है। अगर ये पहला पोर है, ऐसे लोग जो होते हैं उनके कार्य करने की जो क्षमता होती है ना, वो लिखने की ज्यादा होती है। जैसे कि कोई आपको कविता लिखने की शौक, आपको स्टोरी लिखने का शौक, आपको किसी न किसी अध्ययन में जोड़ के रख देती है क्वालिटियां। अगर इसी का दूसरा पार्ट मजबूत हो और बड़ी हो, ऐसे लोग रिसर्च टाइप की बातें करते हैं, जैसे कि मेडिकल के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, या किसी रिसर्च को करने के लिए प्रेरित होते रहते हैं। और ये तीसरा जो पोर है ना, पूर्वा, जिसको हम कहते हैं, ऐसे लोग बिजनेस की कला रखते हैं और व्यापार करने की कला को रखते हैं। और ये कला कब होती है, जब ये पहले पोर सूर्य के पहले पोर से बड़ी हो। लेकिन अगर ये क्वालिटियां तभी आपको प्रोत्साहित करेगी, हिम्मत देगी, आपकी बोलने की शक्ति को बढ़ाएगी। लेकिन अगर ये फिंगर छोटी है, अब मान लो ये फिंगर आपकी छोटी है, बुध सन के पहले पोर तक नहीं पहुंच रही है, ऐसे लोगों का जो कम्युनिकेशन है, बोलने की कला है, या मार्केटिंग की कला है, या व्यवसाय करने की कला है, उनमें कमजोर हो जाते हैं। ऐसे लोगों का आत्मविश्वास कमजोर होता है, हीन भावना हम कह सकते हैं। काम करने से पहले ही सोच लेंगे हम ये काम नहीं कर सकते हैं, और बोलने से पहले उनका जी घबराने लगता मन कि मैं इस बात को कैसे व्यक्त कर पाऊंगा। तो मतलब ये सारी क्वालिटियां हमारी बुद्ध की ही फिंगर बताती है। अगर कहीं ना कहीं बुद्ध की फिंगर हमारे सन की फिंगर की तरफ थोड़ी सी झुक जाए, ये इस साइड को झुक जाए, ऐसे लोग बिजनेस करने की कला जबरदस्त होती है। ऐसे लोग सुबह उठते एक ही ख्याल आता है कि मैंने तो काम पर जाना है, और बिजनेस करने की कला को बढ़ा देती है। अगर यही बुद्ध की फिंगर कहीं ना कहीं ये सन की फिंगर से डिफरेंट हो जाए, अलग हो जाए, ये थोड़ी सी
नीचे की साइड में झुक जाए। ऐसे लोग किसी के दबाव में नहीं आते, वो काफी तेज तर्रार होते हैं। हम कह सकते हैं उनकी सोच ही अलग होती है, किसी काम को करेंगे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, अपने मन की करेंगे और उनका काम भी सबसे हटकर होगा। आप देखेंगे व्यवसाय करेंगे तो वो किसी से विचार विमर्श नहीं करते हैं, उनके अंदर की जो करने की प्रक्रिया है अलग होगी। और सबसे पहले जो बुद्ध की अच्छी क्वालिटी को बताती है, क्योंकि बुद्ध बोलने की कला को भी सिखाती है, रिसर्च की कला को भी सिखाती है और बिजनेस व्यापार करने की कला कुशलता को दर्शाती है। और यहां पर ये अगर स्टार बन जाए, यहां पर स्टार बन जाए, ऐसे लोगों को बिजनेस या किसी नई नई तकनीक का रिसर्च करते हैं और ये बुद्ध की लाइन आपको बिजनेस के प्रवक्ता बना देती है। ऐसे लोगों को दूर के अपने सामने वाले का जो कम्युनिकेशन है वो समझ जाते हैं कि हमारे साथ ये क्या होने वाला है। ऐसे लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान भी हम कह सकते हैं। और साथ में अगर ये सूरज के पर्वत के ऊपर एक बड़ी सूरज रेखा हो और यहां पर एक फिश की साइन बन जाए, एक फिश की साइन बन जाए, फिश की साइन का मतलब चंचलता आपके अंदर है। आप एक जगह पे टिक के काम नहीं करने वाले, आप किसी न किसी काम को करते रहना आपके अंदर चंचलता को बताएगी। ऐसे लोग मैंने देखा और पाया है जीवन में एक के साथ एक काम की भावना इनके अंदर होती है, आगे बढ़ने का प्रयास लगे रहते हैं, चाहे किसी भी व्यवसाय को हो या जॉब से रिलेटेड हो, ये लोग हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठते हैं। इस जीवन में हमेशा ऊपर उठना चाहते हैं, हमें हमेशा मान सम्मान पाना चाहते हैं। ऐसे लोग अगर बुद्ध का कम्युनिकेशन बन जाए, बुद्ध का पर्वत और कहीं सन का पर्वत एक दूसरे के साथ कम्बिनेशन बन जाए, जुड़ जाए, बुद्ध आदित्य योग बनता है। ऐसे लोग नेम फेम बहुत अच्छा कमाते हैं व्यापार करके और ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं, कहीं ना कहीं एक भाग रेखा के साथ एक कम्बिनेशन और इनका बन जाए। जैसे कि कहते हैं ना ये बुद्ध की एक फिंगर, इसको हम मरकरी की फिंगर बोलते हैं, वैसे तो इसको हम स्वास्थ्य की रेखा भी कहते हैं, अगर ये रेखा हो तो प्रॉपर हो, अन्यथा ये रेखा टूटी फूटी होती है तो हमारी सेहत के बारे में भी बताती है कि हमारी सेहत ठीक नहीं रहेगी। लेकिन अगर ये एक रेखा प्रॉपर हो तो ऐसे लोगों का व्यवसाय करने की कला जबरदस्त होती है, हर बिजनेस करने की कला होती है इनके अंदर, किसी भी तरह का बिजनेस हो एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि बोलने की कला एक्सपर्ट बना देती है इनको, व्यवसाय करने में एक्सपर्ट बना देती है, कम्युनिकेशन इसके लिए इनका बड़ा मजबूत होता है। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, और आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।